हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कंपटीशन गुरु फेस 7 मोहाली से आपकी टीचर मनी शर्मा। आज हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी नोटिफिकेशन बताने वाले हैं। पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो एग्ज़ाम है 2019 की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। आप सबको पता है इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वैकेंसीज आउट हुई हैं। ये आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस में इसकी जानकारी जो है वो एक हमारी मैम नशरीन मैम ने दे दी होगी। तो मैं आपकी जीके की फैकल्टी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम में जीके जो 20 सितंबर का रहता है वो किस स्टैंडर्ड का रहता है, वो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कितने कितने मार्क्स का रहेगा। तो आए मेरा बच्चा, जो मैथ है वो 25 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 25, इट मीन्स कि आधा एग्ज़ाम आपका मैथ के ऊपर खड़ा है। तो हम मैथ की वीडियोस भी आपके लिए लाएंगे। जीके 20 मार्क्स का, इंग्लिश 20 और कंप्यूटर 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये वही एक बेसिक सा पैटर्न है जो पंजाब सरकार हर बार एग्ज़ाम में यही पैटर्न डालती है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जीके रहा जी आपका 20 मार्क्स का, और इस 20 मार्क्स में से पंजाब जीके प्लस नेशनल जीके और कुछ करंट अफेयर जो है वो हमेशा ही रहते हैं। तो मैं आज आपके लिए प्रीवियस पेपर जो इस एग्ज़ाम का रहा वो लेके आई हूँ, उसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरा बच्चा। तो ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो भारतवर्ष है वो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए हैं। तो उस वक़्त हमारे वॉइसराय, इंडिया के वॉइसराय कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो वाज़ द वॉइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय भारत के वॉइसराय कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये माउंटबेटन प्लान आया था जिसके अनुसार भारत को आज़ाद किया गया और दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर इज़ अ लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें सिग्नेचर भी हुए थे इस प्लान पे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के, जो पाकिस्तान और इंडिया के बाद में पहले पहले प्रधानमंत्री बने थे। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेशनल एजुकेशन डे कब, तो कब ये आया जी? हमने 11 नवंबर को इसको, ठीक है ना जी, ऑब्जर्व किया हमने इसको, किसको? नेशनल एजुकेशन डे। आगे आ जाएं तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे, ठीक है, तो वो मौलाना आज़ाद रहे हैं हमारे। ये बुक है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की बुक है, ये सचिन तेंदुलकर की बुक है। तो ऐसी बहुत सारी किताबों के नाम जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो रघुराम राजन जो हैं उनकी किताब द थर्ड पिलर अभी लेटेस्ट हुई है 2019 में पब्लिश। तो ये बहुत चांसेस हैं कि जो जो बुक्स 2019 में पब्लिश हुई है वो पेपर में आएंगी ज़रूर। और बुकर प्राइज़ है 2019 का, किसको मिला है बुकर प्राइज़ 2019 मिला है? द क्रिस्टल बॉडीज़, और ये बुक लिखी है जोखा अलहर्थी ने, ये उनाम से है लड़की, राइट। आगे आ जाओ, तो ये देखें आप देख रहे होंगे इन क्वेश्चंस का लेवल नेशनल का है, ठीक है। तो अभी हम पंजाब का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्टेट की जीके तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी सिख हेरिटेज कैंपस, सिख हेरिटेज कैंपस कौन सी सिटी में है? तो आप अगर सब पंजाब से हैं तो आप सब एक म्यूज़ियम देखने जाते हैं आनंदपुर साहिब, ठीक है ना। तो वो आनंदपुर साहिब में वो म्यूज़ियम है, उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्या लिख दिया? सिख हेरिटेज कम्प्लेक्स लिख दिया, ठीक है ना। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब, सब एरिया वाइज कौन सी लार्जेस्ट है? लुधियाना, पॉपुलेशन वाइज भी लुधियाना ही है। तो अगर ये आ जाए कि जनसंख्या की तरफ से कौन सा सबसे बड़ा सिटी रहा पंजाब का, इट्स लुधियाना, और एरिया वाइज भी बच्चे वो लुधियाना ही रहेगा। वो इज़ द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब की, ये सबको पता होना चाहिए, रजिंदर कौर भट्टल, रजिंदर कौर भट्टल जो रही पहली चीफ मिनिस्टर रही है पंजाब की, ठीक है ना जी। आगे आ जाएं, ऑन विच डे पंजाब वाज फॉर्म्ड, कब बना पंजाब? पंजाब बना 1 नवंबर 1966। हरियाणा कब बना बच्चे? 1 नवंबर 1966, ठीक है ना जी। तो पंजाब में से 35% पार्ट जो है वो हरियाणा को अलग करके एक अलग से राज्य बना दिया गया, और हरियाणा
सत्तरवां राज्य बना उस वक्त भारत का, तो ऐसे क्वेश्चन भी साथ साथ में आते रहेंगे। आगे आ जाएं तो कौन है स्टेट एनिमल पंजाब का? ब्लैक बक है, काला हिरण इज अ स्टेट एनिमल। अच्छा, इसके साथ स्टेट ट्री पूछ लें तो शीशम है, टाली है बच्चे। तो आगे आ जाएं, विच सिख गुरु रोट आदि ग्रंथ, किसने लिखा आदि ग्रंथ, किसने लिखा बच्चे आदि ग्रंथ? रिटन बाय गुरु अर्जुन देव जी। तो आदि ग्रंथ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, नॉट अ गुरु ग्रंथ साहिब। आप आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब में हम प्रीवियस आगे वाली हमारी वीडियोस में इसमें करेंगे, क्योंकि हम पंजाब जीके के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जो बच्चे पंजाब के सिविल्स में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीई? एनसीई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये देखें, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की आपको सिंपल और सिंपल फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो ऐसे कितनी सारी फुल फॉर्म पूछ ली जाएंगी, यूनेस्को की पूछ लेंगे ये आपको, ठीक है ना, तो आपको यूनेस्को की पता होनी चाहिए। तो अभी चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है, तो ये करंट अफेयर रहेंगे आपके, तो करंट अफेयर की वीडियोज़ भी आपको हम देते रहेंगे। तो हम कॉम्पिटिशन गुरु फेस 7 मोहाली, ये हमारा फ़ोन नंबर 8283867867। आप हमें इस नंबर पर अभी कॉल करके इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जानकारी जो है वो ले सकते हैं, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम आपकी पूरी और पूरी मदद करेंगे। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके क्वेश्चंस जो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चे, अपना ध्यान रखें, नमस्कार। सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ओके, नमस्कार।